नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपका निश्चय दृढ़ हो तो आप संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसी बात को समझेंगे। भारत में बहुत सारे व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। एक तपस्वी भगवान को प्राप्त करने के लिए इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा था। उसने सोचा, यदि भगवान को प्रसन्न कर सका तो उसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तपस्वी पत्ते खाकर निर्वाह करता था और सारा दिन भगवान का नाम जपते हुए वृक्ष की प्रदक्षिणा करता था। निरंतर चलते रहने से वृक्ष के चारों ओर एक गहरी लीक बन गई थी। एक दिन नारद जी बैकुंठ जा रहे थे। तपस्वी को देखकर वह उसके पास आए। तपस्वी उसके चरण छुए और बोला, नारद जी, आप बैकुंठ जा रहे हैं, कृपया मेरी ओर से भगवान से पूछना कि वह मुझे कब दर्शन देंगे, क्योंकि मैं अनेक वर्षों से केवल पत्ते खाकर तपस्या कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा। नारद जी प्रभु के दर्शन हेतु बैकुंठ पहुँच गए। अवसर देखकर उन्होंने भगवान से पूछा कि एक तपस्वी इमली के वृक्ष के नीचे आपके दर्शन की इच्छा से तपस्या कर रहा है, आप उसे दर्शन देने की कृपा कब करेंगे? भगवान ने कहा, उसे बता देना, इमली के वृक्ष में जितने छोटे छोटे पत्ते हैं उतने वर्षों तक मेरे दर्शन के लिए उसे अभी मेरी तपस्या और करनी होगी। यह सुनकर नारद जी को बड़ी निराशा हुई। वे सोचने लगे, मैं तपस्वी से क्या कहूँ? नारद जी आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर लौट रहे थे। तपस्वी ने उन्हें देखा और पुकारा। तपस्वी यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि नारद जी की भेंट नारायण से हो गई है, इसलिए उन्होंने पूछा, भगवान का मेरे लिए क्या संदेश है? नारद जी निराश स्वर में बोले, भगवान ने जो कुछ कहा है वह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम धैर्य छोड़ दोगे और तपस्या भी। तपस्वी ने कहा, चिंता न करें, भगवान ने चाहे कुछ भी कहा हो कम से कम मुझे उनके दिव्य शब्द सुनने तो मिलेंगे। कृपया मुझे बताएं कि उन्होंने क्या कहा है। इस पर नारद जी कहने में संकोच कर रहे थे। तपस्वी ने पुनः आग्रह किया, कृपया मुझे बताएं। तब नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है, इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्षों तक तपस्या करेंगे तब आपको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। यह सुनकर तपस्वी ने नारद जी से पूछा, महाराज, यह बात पक्की है ना? तब नारद जी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की है। यह बात सुनकर तपस्वी नाचने गाने लगा और कहा, आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, निश्चित रूप से भगवान मुझे दर्शन देंगे। यह समय तो बस चुटकी बजाते बजाते बीत जाएगा। तपस्वी की भक्ति एवं धैर्य देखकर मुकुटधारी भगवान तपस्वी के सामने तुरंत प्रकट हो गए, उस पर कृपा की। तपस्वी के आनंद की कोई सीमा नहीं थी और आनंद से उसे समाधि लग गई। यह देखकर नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने तो कुछ और ही कहा था। बीच में ही रोककर भगवान ने समझाया, नारद, इसकी लगन, श्रद्धा और भक्ति तो देखो, अनंत वर्षों की बात सुनकर भी इसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। ऐसे भक्तों को तो मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। यदि तपस्वी की आस्था श्रद्धा टूट जाती और उसका आशा भी टूट जाता तो क्या उसे मेरे दर्शन होते? वास्तव में नहीं, संत पुरुषों के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। लगन और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। दैनिक सांसारिक जीवन में और मोक्ष मार्ग में धैर्य, श्रद्धा और तीव्र भावना की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।